हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स वॉल्ट। मैं हूँ शौर्या अग्रवाल और आज का जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम बेसिकली समझ रहे हैं कि अगर हमें प्रॉफिट्स जो हैं वो कम हो एज कम्पेयर टू जितना मैंने अपने पार्टनर्स को अप्रोप्रिएट करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। क्या समझ आया मैंने क्या बोला? मैं बोल रही हूँ कि सपोज़ मेरे पास 5 कैंडीज हैं और मेरे 10 पार्टनर्स हैं और मैंने सभी पार्टनर्स को एक एक कैंडी देनी थी, तो मेरे पास टोटल 10 कैंडीज होनी चाहिए थी, तभी मैं सबको एक एक दे सकती हूँ। लेकिन मेरे पास सिर्फ 5 ही हैं, तो मैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। हम वो सीख रहे हैं कि मेरे पास जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हैं एज कम्पेयर टू जितना मैंने उनको अप्रोप्रिएट करना था, जितना मैंने उनको देना था। इसको, इस टॉपिक को अगर हम एक क्वेश्चन से समझे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये रहा, तो क्वेश्चन है, अतुल एंड अमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए, पार्टनर अतुल एंड पार्टनर अमित, ठीक है। ये दो पार्टनर्स हैं। As per the partnership deed, the partners are to get salary of 1 lakh and 1,20,000. Partnership deed के according इनको salary मिलनी थी 1 lakh अतुल को and 1,20,000 अमित को। An interest on capital at the rate 10%, which is 20,000 and 40,000. और जो interest on capital मिलना था वो मिलना था इन्हें 20,000 and 40,000. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2,10,000, और जो मैं प्रॉफिट हुआ है उस ईयर का वो है बाय PNL अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम PNL अकाउंट, वो हो गया हमारे 2,10,000। अब हमें बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करूँ, तो इधर हमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो हमें प्रॉफिट एंड शेयरिंग वाला नहीं दिया। तो हम जब प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो नहीं दी होती है तो कितनी होती है, 1:1, दैट इज इक्वल। तो ये होगी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेट हो गया। दो पार्टनर्स हैं, अतुल अमित, सैलरी इनको इतनी इतनी देनी है, तो ठीक है भैया हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, वो है ये कि जब आप इसको सम करो, इट इज़ 1,20,000 एंड इट विल बी 1,60,000। तो अगर आप इसको टोटल करो तो वह आएगा 2,80,000। तो 2,80,000 हमें अप्रोप्रिएट करना है, तो ये हमारी एक्चुअल अमाउंट है जो हमने अपने पार्टनर्स को देनी है। लेकिन हमें उस साल के लिए प्रॉफिट कितना हुआ है, वो है हमें 2,10,000। तो हम 70,000 अपनी पॉकेट से तो देंगे नहीं फर्म, हमें जितना प्रॉफिट हुआ है हमने उतना ही उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में, कुछ लोग बोलेंगे 1:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नो, ये हम अभी प्रॉफिट नहीं शेयर कर रहे हैं। मतलब कि देखो, जब हमने PNL अकाउंट किया था तो उसमें हमने दो केस लिए थे, जब हमें प्रॉफिट होगा। हमने अप्रोप्रिएशन तभी करना है जब हमें प्रॉफिट हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ, हमने उनको अप्रोप्रिएशन की और जो हमें बच गया उसको, वो हुआ हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जो हम पार्टनर्स को देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इधर कुछ बच ही नहीं रहा, इधर तो कम पड़ रहा है बल्कि, तो इधर हम इस रेशियो में तो देने से रहे। तो किस रेशियो में देंगे, हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस रेशियो में जितना उनको अमाउंट हमें एक्चुअली में देना है। हमने कितना अमाउंट देना है, हमसे अतुल को देना है 1,20,000 और अमित को कितना देना है, 1,60,000। तो इस रेशियो में हम ट्रांसफर करेंगे इनको। क्या रेशियो होगी 1,20,000 और 1,60,000 की, ये हो जाएगी 3:4 रेशियो। निकालनी आती है ना कैसे, ये 0,0,0 कट गया और 12:16 आ गया, तो हमने तब तक काटते रहना जब तक जो अमाउंट होगा, जो नंबर होगा वो 1 से ना डिवाइड हो। तो ये नंबर आ गया 3:4, ये आ गई हमारी रेशियो। अब हमने अतुल और अमित को इसी रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, अप्रोप्रिएशन करनी है। तो देखो 3:4 का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास 7 कैंडीज हैं तो 3 कैंडीज मिली जाएगी अतुल को और 4 कैंडीज जाएगी अमित को। तो अतुल को कितनी गई, टू अतुल्स कैपिटल अकाउंट, क्या गया 3/7 ऑफ, कितना देना था उसे टोटल,
सॉरी ऑफ हमारा प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट इज 210,000, तो जितना हमारा प्रॉफिट है उसका 3/7 हिस्सा हम अतुल को दे देंगे जो हो गया हमारा 90,000, और टू अमित कैपिटल अकाउंट, अमित को कितना देना है 4/7 ऑफ 210,000, मतलब 210,000 में से मतलब 210,000 जो हमारा प्रॉफिट है उसमें से 4/7 पार्ट हम किसको देंगे, अमित को, सो इट विल बी 1,20,000, तो ये टोटल कर लो तो आगे हमारा 210,000, तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं बचा जो हमने इनको प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बेसिकली जब भी केस होगा जहां पे हमें अवेलेबल प्रॉफिट्स जो हैं, जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो कम है हमारी अप्रोप्रिएशन से, 2,80,000 एक्चुअल अप्रोप्रिएशन थी लेकिन हमारे पास इतने वैसे नहीं है, तो उस केसेस में जितना हमने एक्सपेंस जितना हमने देना है हमारे दोनों पार्टनर्स को या जितने भी पार्टनर्स होंगे, जितना अमाउंट हमने टोटल देना है तो हमने क्या करना है, हमने सारा लगा देना है, सैलरी लगा दी कितनी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दी कितना देना है, कमीशन होगी तो कमीशन लगा देंगे, तो दो चीज़ें हमें इनको देने वाली होगी वो सब करेंगे, टोटल करेंगे, जो एंडिंग में वैल्यू आएगी उसकी रेशियो हम लेंगे। जैसे इधर हमारी वैल्यू आई थी 1,20,000, 1,60,000, इसकी हमने रेशियो ली और वो आई हमारी 3:4, तो हम जो अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो इस रेशियो में करेंगे, दैट विल बी 3:4, तो ये जो होगा ये ट्रांसफर करेंगे हम अतुल के कैपिटल अकाउंट में इतना, अमित के कैपिटल अकाउंट में इतना। सो दैट्स इट, आई होप आपको ये समझ आया, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग इट।